हे गाइस, दिस इज प्रभात कुमार एंड यू आर वाचिंग पीडीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कल के लिए दो कौन से स्टॉक हो सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आज के लिए एचडीएफसी लिमिटेड और इंडसइंड बैंक को शॉर्ट सेल करने को दिया था, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज उसमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली। जो हम स्टॉक चूज करने वाले हैं कल के लिए, उसके पीछे का आप रीजन भी जानने वाले हैं कि क्यों हम उस स्टॉक को चूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और काफी कुछ सीखने वाले हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे, और आइए पहले हम समझते हैं कि कैसे इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने क्या जबरदस्त मूव दिया आज। ठीक है दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने आज 10 से 11% का डाउन साइड मूव लगाया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको कैसे शॉर्ट सेल करना है, खुलते ही टिक पे शॉर्ट सेल नहीं करना है। टिक गैप डाउन खुलेगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके जब ऊपर जाएगा तब वहां पे शॉर्ट सेल करना है। ये ऊपर गया, यहां पे आपको शॉर्ट सेल करना था, और एक जबरदस्त मुनाफा आपको यहां पे देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपने 435 के आसपास शॉर्ट किया होगा तो आपको 420 के आसपास का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों, तो देखो, ये है हमारा इंडसइंड बैंक का पहला ट्रेड। आई होप आपने एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया होगा। ठीक है, और आपने ये समझा होगा इस वीडियो से कि क्यों मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूं कि आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। अगर आपने ये ट्रेड किया होगा तो एक अच्छा खासा जोरदार आपको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा इंडसइंड बैंक में। बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, तो देखो, एचडीएफसी लिमिटेड ने एक जबरदस्त डाउन साइड मूव दिखाया गैप डाउन खुलने के बाद भी। हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा चढ़ा है ये 20%, और आज 10% बराबर हो गया इसको। हमने आपको बताया था दोस्तों कि 20% चढ़ा हुआ है और ये 5% आएगा ही नीचे, और आज एक्चुअल में एक मूवमेंट देखने को मिली 200 पॉइंट नीचे की। आई होप आपने भी इसमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट किया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नए मेहमान हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। तो आई होप आपने इससे ये समझा होगा इन दोनों वीडियोस से कि देखो, मार्केट में लिटरली पैसा संभव है, लेकिन उस पैसे के लिए आपको सीखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए, निफ्टी अपने क्रिटिकल लेवल के नीचे क्लोज हो चुका है। वो लेवल कितना है? 9,360 के समथिंग, हमने आपको बताया था। अब क्या करना है आपको? शॉर्ट सेल ही करना है, ठीक है, जब तक निफ्टी 9,300 समथिंग के नीचे रहे। ठीक है, 9,366 के जब तक नीचे रहे। आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट हो जाएगा इसमें 9,200 का। ठीक है, 9,200 का कल का आपका टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखिए, बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग हो सकता है 20,400 के आसपास। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक जबरदस्त नीचे के साइड वाली देखने को मिलेगा, जो कि आज देखने को मिला है 19,600 समथिंग के आसपास का। तो अभी भी इसमें एक डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे शॉर्ट नहीं करना, उछाल मिलता है कितने के आसपास? 20,400 के आसपास तक का जब उछाल मिलेगा आपको, वहां पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 20,400 का होगा, ठीक है, और टारगेट नीचे के साइड आप मान सकते हैं 20,000 और 19,900 का आपका टारगेट होगा निफ्टी का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स की। दोस्तों, कल जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में, उसका नाम है ब्रिटानिया। दोस्तों, ब्रिटानिया पता हमने क्यों शॉर्ट सेल किया है? समझते हैं, और मैं आपको समझाता भी हूं। देखो, ब्रिटानिया का सबसे सिंपल जो एक लेवल है वो है 3100 का, 3100 का। 3100 क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल है। दोस्तों ध्यान सुनो, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ये क्लोज हो चुका है पॉइंट्स पॉइंट नीचे, और आज बिल्कुल एक रेंज में था। और अब क्या करना है हमको? शॉर्ट सेल करना है। देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अपने एक सपोर्ट के नीचे ये क्लोज करके गया है। ठीक है, देखो, डबल बॉटम लगा रहा था, एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, दूसरे बॉटम के नीचे क्लोज करके गया है। इसका मतलब सिंपल सा, हमें शॉर्ट सेल करके चलना है जब तक ये 3100 के नीचे रहे। ठीक है दोस्तों, अगर क्या होगा, अगर आपका 3100 का लेवल प्रोटेक्टेड रहता है तो दोस्तों उस केस में फिर 3150 तक के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया में। लेकिन देखो, अब बात करें मेरे को क्या फीलिंग आ रही है। दोस्तों, मेरे को फीलिंग यही आ रही है कि एक चांसेस होने चाहिए नीचे के साइड के, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे क्लोज करके गया है। बाकी अब देखते हैं
कल मार्केट कैसा खुलता है। मार्केट इन दिनों काफी वोलेटाइल होने वाला है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन फिर से स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, वही सिनेरियो, ठीक है। तो अब मार्केट कल एक बार खुलता है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा वेट करके अपना मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। मेन इसमें हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज होके गया है और हमारा डबल सपोर्ट के भी नीचे ये ब्रेक डाउन करके क्या है, इसलिए हमने उसको चूज किया है, ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। दोस्तों दूसरा स्टॉक जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो दूसरा स्टॉक है ना हमारी लिस्ट में, उसका नाम है डिवीज लैब। अब देखो डिवीज लैब में एक खासियत ये है कि आज फार्मा सेक्टर ऊपर था लेकिन डिवीज लैब नीचे था, तो हमें क्या करना है, डिवीज लैब को शॉर्ट सेल करके चलना है। पहला तो देखो ये है कि डिवीज लैब ना एक 2300 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज होके गया है। दोस्तों साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है। तो 2300 के नीचे आपको शॉर्ट सेल करना है, 2300 के नीचे ही शॉर्ट सेल, 2300 के नीचे आपको क्लोज देके गया है तो आपका 2300 का हो जाएगा स्टॉप लॉस, और 2300 के ऊपर निकल जाए तो आप सिंपल निकल जाइएगा डेवीज लैब से, ठीक है। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम लग रहा था, डबल बॉटम का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो अब क्या करना है हमको, शॉर्ट सेल करके चलना है। साइकोलॉजिकल लेवल के भी नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है और अपना डबल बॉटम का भी ब्रेकडाउन दे चुका है, तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा डिवीज लैब में जब तक ये 2300 के नीचे रहेगा, ठीक है। टारगेट दोनों के किसके, ब्रिटेनिया और डिवीज लैब के, आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं इसके लेवल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसका लिंक ना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाइए जुड़िए और वहाँ पे आप इंजॉय कीजिए ट्रेड्स को। तो चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। और देखो डिवीज लैब खुद यहाँ पे देखो डबल बॉटम ना डेली के चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, ध्यान से ध्यान देना, यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकडाउन दे चुका है, अब इससे बड़ी आपको क्या चाहिए। तो वही है, सिंपल सा सिंपल लॉजिक है। देखो मार्केट में बहुत बहुत बड़ा पैसा बन सकता है लेकिन सिंपल चीज़ों को रखोगे तो, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए वाइंड अप करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, तो शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस को। दोस्तों हमारी वीडियोस को फैला दीजिए जितना हो सके, ताकि हमारी ये जो कंटेंट है पूरे दुनिया भर में फैल सके और सब लोग इस प्रकार के कंटेंट के बारे में जान सकें। तो चलिए वाइंड अप करता हूँ मैं वीडियो। टिल देन नमस्कार।